देखिए हमारे आसपास जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी अपनी वाइब्रेशन होती है। ये कहते हैं राहु से बचो, शनि से बचो, लेकिन सबसे ज्यादा हाइट पे यही नंबर लेके जाते हैं। कहीं ना कहीं पैसा ऐसी जगह पे भी खर्च हो रहा है जहाँ हमारा, जैसे कहते हैं ना, मन खुश नहीं है। हम अपना अगर प्लस कर लेते हैं तो हमारा ये एक मेजर नंबर, हमारा डेस्टिनी नंबर निकल के आता है। पानी को छोटा सुराग मिलेगा ना, वो वहाँ से भी रास्ता निकाल लेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके फोन नंबर से आपके भविष्य के बारे में पता चल सकता है, फोन नंबर ही नहीं, आपके मकान नंबर से, आपके एटीएम नंबर से और आपके पेटीएम नंबर से भी हम आपके भविष्य के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं, तो आप शायद ही यकीन करेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है हमारी खास मेहमान, जो आपके नंबरों से आपके जीवन के बारे में बताने जा रही हैं, आचार्य सपना श्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हम आपको बता दें कि सपना श्री जी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो कि अंक ज्योतिष अंक विद्या में बिल्कुल ही सही सही आपको आपके भविष्य के बारे में बताती हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आप तो बता दीजिए कि अंक ज्योतिष होता क्या है और ये अंकों का क्या खेल है जो आप सबके जीवन के बारे में बता देती हैं। देखिए हमारे आसपास जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी अपनी वाइब्रेशन होती है। अब हमारी डेट ऑफ बर्थ को बदला नहीं जा सकता है ना, तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन है वो हम पे तो पूरी जिंदगी का असर रखती है, लेकिन जिंदगी बीच बीच में जब उतार चढ़ाव से निकलती है ना, तो आप देखेंगे कि आपने कहीं पर घर शिफ्ट तो नहीं करा, कहीं नहीं दुकान तो नहीं एक और ले ली। कई बार होता है हमारा काम बढ़ जाता है, हम साथ में गोदाम ले लेते हैं, लेकिन तब से हमारा काम डाउन पे जाना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के नंबर की वाइब्रेशन जो है वो अब हमारे पे इफेक्ट करना हमारे काम पे स्टार्ट कर देती है। तो मतलब आप कहना चाह रही हैं कि नंबर्स का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल, आपकी कार का नंबर हो गया। मैं तो कहती हूँ कि आप अपना अगर एटीएम का पिन देखेंगे ना, तो बार बार जो लोग पैसे निकालते रहते हैं और कहते हैं कि पैसे टिकते नहीं है, लक्ष्मी माता सब पे बराबर कृपा रखती है, बस हमारे से कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है। पेटीएम के पिन में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हमारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। अच्छा, तो हम अगर अच्छे से सही नंबर्स रखें तो हम जो बार बार ये यूपीआई यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, वो कम हो सकता है, तो वो कैसे? जैसे 4 डिजिट के आपके नंबर होते हैं, अगर देखेंगे किसी ने ज्यादा 4 नंबर डाला हुआ है या 8844 करके डाला है, 8842 करके डाला है, तो ये नंबर जो है ना कहीं पैसा ऐसी जगह पे भी खर्च हो रहा है जहां हमारा, जैसे कहते हैं ना, मन खुश नहीं है, मतलब कि। और आप देखेंगे 54 जिनके पेटीएम पिन में आ रहा है, उनका केमिस्ट पे, दवाइयों पे, हॉस्पिटल्स में पैसा खर्च होता है कहीं ना कहीं ज्यादा। तो ये सब हम कैसे जान सकते हैं कि हमें ऐसा नंबर रखना चाहिए तो हमारा जीवन ठीक हो जाएगा या थोड़ा जो परेशानी है वो सही हो जाएगी? देखिए ये निकालने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन बहुत जरूरी होती है। आगे जो हमारा जिस डे पे हम पैदा हुए हैं वो नंबर हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में फर्क करता है, और जो टोटल नंबर हमारा डेस्टिनी नंबर निकल के आता है, आप तो सब जान ही चुके हैं कि हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस अगर कर दिया जाए तो वो हमारा एक मेजर नंबर, डेस्टिनी नंबर निकल के आता है। ये हमारी लाइफ में, हमारी शादी, बड़े बड़े डिसीजंस जो होते हैं, बड़े बड़े हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उसका उससे पता चलता है हमारे। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि बहुत सारे लोगों के पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो ऐसे में फिर वो क्या करेंगे? देखिए इंडिया में आधार कार्ड सबके पास है और हर जगह पे कोई ना कोई हमारा एक आईडी कोड सबके पास होता ही होता है, वो हमारे पे इफेक्ट करता है डेफिनेटली। अच्छा, मतलब आधार कार्ड के नंबर से आप अपना जीवन के बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम से उस डेट ऑफ बर्थ के आप मालिक बने बैठे हैं, तो मालिक पे कोई ना कोई तो असर उसका होगा ना। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती तो उन पे इस चीज़ का, आधार कार्ड से हम डेट ऑफ बर्थ लेके वहाँ से भी कैलकुलेशन निकलती है, नहीं तो हमारे पास मोबाइल नंबर तो है ही। तो ये तो बहुत ही शानदार बात है कि बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुंडली कैसे बनवाएं, तो कोई भी नंबर जो आपसे जुड़ा हो, इसमें क्या क्या नंबर आते हैं? जैसे बहुत सारे अंक होते हैं, हमारे कार का नंबर, हमारी डेट ऑफ बर्थ हो गई, हमारा मंथ हो गया और जिस ईयर में हम पैदा हुए हैं, तीनों को हम अपना अगर प्लस कर लेते हैं तो हमारा ये एक मेजर नंबर, हमारा डेस्टिनी नंबर निकल के आता है। अब हमारा पहला नंबर और हमारा डेस्टिनी नंबर अगर दोनों दोस्त नहीं है, तब भी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा इंसान अगर डिसीजन अपनी मर्जी से ज्यादा लेता जाएगा तो वो मुखी खाता चला जाएगा। तो हम कहते हैं कि आप एडवाइस लेके चलो। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि मेरा जो भी कोई मेरा पिन नंबर है 4 डिजिट का, ठीक है, अब वो आगे 4 है और पीछे 0 है, तो कैसे पता करेंगे कि ये मेरे लिए सही है या नहीं? देखिए किसी भी चीज़ में चारों के चारों नंबर को देखा जाएगा। पिन अगर आपकी 6 नंबर डिजिट्स की है या 4 डिजिट की है तो सारे नंबर का देखा जाएगा। हाँ, बस इन सब को हम प्लस नहीं करते, हर चीज़ लाइफ में प्लस नहीं होती, इंडिविजुअल भी सबकी अपनी वाइब्रेशन होती है, 4 नंबर की अपनी वाइब्रेशन है,
ठीक है ना, 9 नंबर की अपनी वाइब्रेशन है, तो हर टाइम चीजों को हम जोड़ते नहीं है, उनको प्लस करके नहीं चलते। देखिए बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, जैसे सबको अंक ज्योतिष के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि उसका असर सबके जीवन में पड़ता है अगर नंबर्स सही ना हो तो अब हमारे पास अलग अलग फोन नंबर्स हैं, ठीक है, अलग अलग डिजिट हैं, तो आप बताएंगे कि किस डिजिट का क्या असर होता है? देखिए जिसके पास तो अगर 2 या 3 मोबाइल्स हैं, 2 या 3 सिम हैं, अलग अलग नंबर्स चल रहे हैं, तो व्हाट्सएप वाला जो नंबर होता है, जो हमारा मेन नंबर होता है, उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है, वो हमारी लाइफ में 60% इफेक्ट कर देगा, और बाकी के नंबर जो हमने कॉल उठाने के लिए रखे हुए हैं वो नंबर का अलग इफेक्ट रहेगा। तो जैसे कि अंक ज्योतिष के बारे में आप बताइए कि अंक ज्योतिष हमारी लाइफ पे भी कुछ असर डालता है, जैसे कि बहुत सारा ये होता है कि मेरा किसी के साथ फ्रेंडशिप है या वो मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा पति है और हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे मतलब क्लैशेस हैं नंबर्स में, तो उसमें कोई असर होता है? देखिए बहुत अच्छी आपने बात करी, कई बार तो मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि हस्बैंड वाइफ का सेम नंबर है, तो वो कहते हैं अब क्लैश कैसे, नंबर दोनों के दोनों सेम है, तो यहाँ पर ईगो क्लैश देखा जाता है, दोनों नंबर सेम नहीं चलते हैं, मतलब कि अगर हम 2 नंबर ले लें और 20 नंबर ले लें तो 20 का भी 2 निकल के आ रहा है और 2 नंबर भी 2 है, तो यहाँ पर इतने इमोशनल लोग जो हैं जिंदगी नहीं काट पाएंगे, तो परेशान उनको ये लगता है ना सेम 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 सेम, क्योंकि हम हर बात पे करते हैं ना, हम दोनों ने सेम कलर पहना है, हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है, बट ये डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर सेम नहीं चलता, तो सेम नंबर थोड़ा सा हमारे को दिक्कत कर जाता है। आपने यहाँ सेम नंबर की बात करी, अगर मैं बोलूँ कि मेरे और मेरे पार्टनर का जो नंबर है उसका टोटल सेम आ रहा है तो वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम? जी बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी अगर टोटल भी सेम आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आगे नंबर चेंज आ जाएगा ना, क्योंकि हमारे को तो ये 2 नंबर्स चाहिए होते हैं, ये जो अगर ये कॉम्बिनेशन अगर कहीं ना कहीं आपका सही नहीं निकलता ना, तो अगर हम 2 और 9 का कॉम्बिनेशन ले ले तो दोनों लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ मेजर ऐसे डिसीजंस आप लेंगे जहां पर आपको दिक्कत आएगी, डे टू डे लाइफ में आप अच्छा कर सकते हैं, तो ऐसे इंसान को हमेशा गाइडेंस के अंदर चलना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि किसी का कोई पार्टनर है या होने वाला पार्टनर है, उसका डेट ऑफ बर्थ मुझे पता चल जाए और हमारे नंबर सेम है या प्लस हो के सेम डिजिट में आ रहे हैं, लेकिन हमें शादी उसी से करनी है, तो ऐसे उसमें क्या करना चाहिए? देखिए शादी तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए तो कुंडली देखना भी बहुत ज़रूरी है, तो कुंडली और न्यूमरोलॉजी, कुंडली आ जाएगी तो उसमें नंबर सारे हमारे पास आ गए, सब कुछ हमारे पास आ गया, तो यहाँ पर बहुत सारी हिदायतें होती हैं। आज की डेट में मैं देखती हूँ लोग हमेशा उपाय ज़्यादा चाहते हैं कि फटाफट कोई उपाय दे दो करने के लिए, बट मैं ये कहती हूँ कि इंसान को सबसे पहले अपने अंदर बदलाव करना है, ह्यूमन वास्तु पे कोई भी बात ही नहीं करता, अपने आसपास चीज़ें, अगर अपना रवैया हमारा ख़राब है तो फिर क्या होगा? नहीं, हम तो नहीं बदलना चाहते सामने वाला ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, तो अगर आप जहाँ बदल जाएंगे, अपनी वाणी ठीक कर लेंगे, सामने चीज़ें अपने आप ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो कहते हैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि डिजिट में अगर हम 1 से 100 काउंटिंग करें तो 1 से 9 का है ना नंबर्स हैं, और इन्हीं का खेल सबके साथ होता है, कोई 1 से 2 मिल जाता है, 2 से 6 मिल जाता है, तो इन 9 नंबर का अंक ज्योतिष में क्या महत्व है? यही नंबर हमारी अंक ज्योतिष को बनाते हैं, 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, ये हमारे प्लैनेट्स हैं, 1 नंबर सूर्य का हो गया, 2 नंबर हमारा चंद्रमा का हो गया, ऐसे ही करके हमारे सारे नंबर्स ये आ जाते हैं, तो यही हमारी न्यूमरोलॉजी होती है, लेकिन बात यह है कि लोग न्यूमरोलॉजी को डेट ऑफ बर्थ तक फिक्स रखते हैं, डेट ऑफ बर्थ तक नहीं, ये हमारी कार का नंबर, जितने नंबर्स हमारे आसपास वाइब्रेट कर रहे हैं, अकाउंट नंबर से मैंने यहाँ तक बता दिया कि इस अकाउंट में अगर काला धन कितना होगा या इस यहाँ पर ट्रस्ट का पैसा ज़्यादा होगा, इस तरीके की चीज़ें भी पता चल जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि क्या, क्योंकि आजकल अंक ज्योतिष आप भी बहुत सारी रील्स वगैरह देखती होंगी कि हर चीज़ में वो बताते जा रहे हैं कि अंक ज्योतिष से हम कुछ भी देख सकते हैं, क्या स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें अंक ज्योतिष से देखी जा सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर आपकी सेहत ख़राब हो रही है तो कहीं ना कहीं हम अपने एंटी पीरियड में आ गए, अब आपके नंबर्स के साथ इस साल एक ऐसा नंबर जुड़ गया है ना जो उसके साथ दोस्ती नहीं रखता, तो हम कहते हैं एंटी पीरियड आपका लग गया, इस टाइम पर अब ये नहीं कि अगर लग गया तो मतलब इंसान का कुछ बुरा ही होने वाला है, थोड़ा स्पीड ब्रेकर आगे स्टॉप होने की जरूरत होती है बस, अगर हमें पता चल जाए ना तो हम बस उस टाइम पे अपनी गति को थोड़ा धीरे कर लेंगे, क्योंकि जब अच्छा टाइम होता है ना हमारी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। तो अंकों का खेल तो आप हमें समझा रहे हैं और हमें समझ में भी आ रहा है कि अंक से हम बहुत कुछ जान सकते हैं जीवन के बारे में, तो अगर ये पॉडकास्ट देख के कोई आप तक आना चाहे, आपसे पूछना चाहे, तो वो कैसे पहुंचेगा?
माई ज्योतिष के ऐप पे जाके भी आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जितने प्रश्नों का मैं जवाब दे सकी मैं जरूर दूंगी, जो अपना समय में दे सकी मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी। ठीक है, तो अंकों का खेल बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है आपके जीवन में। अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। आगे सपना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई किसी मीटिंग पे जा रहा हो, ठीक है, सामने वाले के साथ हमारी मीटिंग है, हमें उसका नाम पता है लेकिन ना हमें उसकी कुंडली पता है ना डेट ऑफ बर्थ पता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो मीटिंग है वो अच्छी होने वाली है या नहीं, या सामने वाला कैसा है? अब देखिए, जिनके साथ हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं ना, तो उनसे हम कभी भी इस तरीके की बात नहीं कर सकते कि आप अपनी कुंडली बताइए, अपना बर्थ समय बताइए, है ना, या अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी का मोबाइल नंबर तो डेफिनेटली आपके पास होता ही होता है, मोबाइल नंबर से हम जान लेंगे कि किस तरीके के व्यक्ति के साथ आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं और हमने फिर किस तरीके से उसको डील करना है। अच्छा, तो मोबाइल नंबर पर्सनालिटी को बता देता है? डेफिनेटली बताता है। इवन अगर वो मोबाइल नंबर आपने अपने अकाउंट्स में बैंक में दे रखा है तो आपकी कहीं ना कहीं इनकम भी शो होती है आपके मोबाइल नंबर में। अच्छा, तो ये अंक ज्योतिष का खेल क्या होता है, आप थोड़ा सा इसको बताएंगे? देखिए, नंबर्स की अपनी वाइब्रेशन है और आज की डेट में कोई आपका नाम जाने ना जाने आपका मोबाइल नंबर सबके पास पहुंच जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पहुंचे ना पहुंचे, तो नंबर्स की जो ये वाइब्रेशन हमारे आसपास घूम रही है ना, क्यों 108 माला की ही है ना माला पूरी बनती है, तो ये सब जो चीज़ें चल रही है न्यूमेरिकली चल रही है सब कुछ हमारे यूनिवर्स में। अगर चीज़ें भी जाती है ना तो ये न्यूमेरिकल वे में ही आप अपनी चीज़ों, अब हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंदिरों में जाके, भगवान ये दे दो वो दे दो, अगर यही हम मैं बात करूँ कि इंसान जितना कम शब्दों में बात करेगा ना तभी बीज मंत्र में ज़्यादा ताकत होती है देखा जाए कि बड़े बड़े मंत्रों के। तो इसलिए अंक ज्योतिष भी जो है, जो नंबर्स की वाइब्रेशन है, ये हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है क्योंकि मोबाइल नंबर भी बहुत ज़्यादा है हमारे आसपास। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अगर किसी के मोबाइल नंबर के पीछे 7 नंबर आया है तो वो कैसा व्यक्ति होगा? देखिए, पहला नंबर तो मैं बताऊंगी कि मोबाइल नंबर की हर एक डिजिट की अपनी वैल्यू है। किसी कमरे में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं बहुत स्पेशलिस्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, अपना अपना व्यू रखते हैं, अपने व्यूज़ रखते हैं, तो मोबाइल नंबर का पूरा नंबर ही मैटर करता है। उसके सेंटर की जो दो डिजिट्स होती हैं ना, वो मैंने, ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि वो चीज़ हमारे पे बहुत इफेक्ट करती है। तो इसलिए मैं, जब मोबाइल नंबर आता है तो बीच की दो डिजिट जो सेंटर में पड़ती है उनको देखो ना, उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो हमेशा सर्कल करती हूँ कि ये पहले बता दो, अगर ये 05 आ रहा है तो ये इंसान का अगर बिजनेस नहीं है ना, इसकी इच्छा ये बिजनेस करना चाहता है, थोड़ा सा किडिश हमेशा रहेगा, ये इंसान दिखने में भी थोड़ा यंग दिखेगा, मैरिड होके भी ऐसा इंसान यंग दिखेगा, तो लास्ट डिजिट भी मैटर करती है, लेकिन पूरा नंबर जो है ये अपने आप में ही आपकी पूरी लाइफ को घुमाता है। आपके पास किस किस की कॉल आएंगी, घर से ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, टेंशन की ज़्यादा कॉल आ रही है, घर में जाओ ऑफिस की ज़्यादा कॉल आ रही हैं और वो भी कहीं ना कहीं टेंशन ही हो गई है, तो ये सब आपका मोबाइल नंबर ही है। तो आपके पास जैसे अंक ज्योतिष को लेकर कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे? ज़्यादातर बताऊं तो मेरे क्लाइंट्स यही पूछना चाहते हैं कि आज ये हमारा काम है, ये हमारी मीटिंग है और अभी हमारे पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डील्स में हमारे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, अगर तो डेट ऑफ बर्थ आ गई तो हम बहुत कुछ निकाल लेंगे, लेकिन अगर फिर मोबाइल नंबर हमारे पास आ जाता है, वरना गाड़ी का नंबर ही बहुत है हमारे लिए। तो मतलब कि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हॉस्पिटलाइज्ड है, डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहा है, बस उन्होंने उनको वेंटिलेटर पे रखा है या उनका इलाज चलते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ अंक से पता कर सकते हैं कि वो कब तक रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, दो चीज़ें हैं यहाँ पर जिस चीज़ से मैं चेक करती हूँ कि पहला नंबर तो इंसान अपने एंटी टाइम में तो नहीं चल रहा, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी डेस्टिनी नंबर का जो नंबर्स दो निकल के आते हैं, ये दो नंबरों के साथ इस साल का कौन सा नंबर लग गया है, वो सबका अलग अलग निकलता है। लोग सोचते हैं 24 मतलब आठ नंबर सबके लिए ये बुरा नहीं है या सबको ज़्यादा मेहनत नहीं करवा रहा, कई लोगों के काम बड़े आराम से भी हो रहे हैं, 8 नंबर उनके साथ फ्रेंडली होके बैठ गया। अच्छा, तो जैसे अंक ज्योतिष में कुछ ऐसा है कि सबसे लकी नंबर ये होता है? सबसे लकी नंबर तो हमेशा कहते हैं कि 6 नंबर सबसे लकी होता है, 7 नंबर भी बहुत अच्छा होता है, केतु का नंबर है ये भी बहुत अच्छा होता है, और जो सब जो जिसे जिस नंबर को अच्छा नहीं मानते वो हमेशा यही कहते हैं राहु से बचो शनि से बचो, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइट पे यही नंबर लेके जाते हैं। आप देखेंगे VIP लोगों के गाड़ी के नंबर 1818 होते हैं और कहते हैं 18 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है,
तो ऐसा नहीं है। तो अच्छा, बहुत सारे अब VIP नंबर्स की बात आ रही है, तो बहुत सारे VIPs के मैंने नंबर देखे 0001 या 0008, तो 5 ये की जी, तो ये 000 का क्या खेल है? 5 नंबर हमारी लाइफ में बहुत बैलेंस बनाता है। अगर आप 5 नंबर के किसी इंसान के साथ आपकी शादी हो जाती है ना, तो आप देखेंगे वहाँ पर डिवोर्स केसेस बहुत कम होते हैं। वो बंदा कुछ ना कुछ करके बैलेंस कर लेगा, उस इंसान के अंदर एक खूबी होती है बैलेंस करने की। और मैंने कहा 5 नंबर राजकुमार का होता है, ये किडिश भी होता है, तो ये चीज़ों को दिल पे इतना ना लगा के कहता है चलो कोई नहीं, तो उस चीज़ों को थोड़ा हल्के में लाइफ की आपकी उस इंसान के साथ आपकी लाइफ बहुत ही ना ईजी रहेगी। तो जैसे कि अब 1 से 9 नंबर्स का अंक ज्योतिष में पूरा खेल होता है, तो अगर हम 1 से 9 को एक एक करके पूछना चाहें कि कौन सा नंबर कैसा है, तो वो आप थोड़ा बता दीजिए। जी, 1 नंबर हमारा सूर्य का आता है। सूर्य हमारा सबसे पहले, बहुत कम लोगों से ये लोग फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंडली इतने नहीं होते, जिससे दोस्ती कर ली उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। राजा है, अपनी प्रजा के लिए करेगा ज़रूर, लेकिन सबके लिए नहीं करते। कुछ इनके खास लोग होते हैं जिसके लिए 1 नंबर वाले का दिल धड़कता है या 1 नंबर वाले उस पर मेहरबान हो जाएं। तो 2 नंबर चंद्रमा का आता है। चंद्रमा वाले लोग भी वीनस की तरह काम करते हैं, ऐसे लोग 100 में अलग ही चंद्रमा वाला बंदा हाईलाइट हो जाता है, उसके पास एक अपना ही करिज्मेटिक ऑरा होता है 2 नंबर वाले इंसान के साथ। और इमोशनल सेंसिटिव सब लोग ये कहते हैं, लेकिन 2 नंबर वाले लोग सबसे तिगड़मबाज भी होते हैं, ये मैनिपुलेट कर जाते हैं बहुत जल्दी। तो मैं ये देखती हूँ कि बेसिकली लोगों को हर नंबर के बारे में ना वही पता है कि 2 नंबर ये सेंसिटिव है, ये इमोशनल है। ये लोग जितनी पानी है, पानी को छोटा सुराग मिलेगा ना, वो वहाँ से भी रास्ता निकाल लेगा, कोई नहीं निकल पाएगा, पानी वहाँ से बह के निकल जाएगा। तो 2 नंबर वाला इंसान इतना जुगाड़ू होता है कि वो कहीं से भी निकल जाता है। ये लोग मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और बात अगर 3 नंबर की करें तो 3 नंबर हमारा पहला डोमिनेटिंग नंबर आता है, जुपिटर का नंबर। जुपिटर वाले लोग अपनी तो इज्जत को ऐसे लेके चलते हैं कि बस उनकी इज्जत पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। जुपिटर हमेशा हम लोग स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, लेकिन ये बहुत डोमिनेटिंग लोग होते हैं। एडवाइस क्या होता है, ये लोग कूद कूद के एडवाइस देते हैं। तो मैं कहती हूँ जुपिटर वाले को कि आपकी एडवाइस तब तक किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं है जब तक कोई आपसे मांग नहीं रहा। ये लोग ना खुद बीच में घुस के एडवाइस देते हैं, जो मैं, ये मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। बुक में चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, जितने भी आप कोर्सेज कर ले, आप जितनी कुंडलियां देखेंगे, जितनी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे ना, तब आप नंबर्स को और करीब से जान पाएंगे। और अगर हम 4 और 5 नंबर वालों की बात करें, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? और आप मानेंगे कि जितने हार्ड नंबर है, 4 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, ये ज़्यादा हेल्पफुल लोग मैंने देखे हैं। 4 नंबर राहु वाले उससे लोग डरते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल। और आप देखिए ना, एक टेबल की भी 4 लेग्स होती हैं, तो 4 एक अपने में बैलेंस करके चलता है, बहुत ही मजबूत होता है। 4 नंबर वाले को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, तो पॉजिटिव बातें कोई करते नहीं, राहु का नंबर है, 4 नंबर है, इस नंबर से दूर रहो, ऐसा कुछ नहीं है। 4 नंबर अपने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग स्टबन नंबर है। तो 4 नंबर वाले को हम कहते हैं जैसे पुलिस वाला डील करते हैं ना, थोड़े से ऐसे होता है, अपनी बात रखने का जोश होता है उसमें। और अगर हम 6, 7, 8, 9 जो बचे हुए नंबर है, थोड़ा थोड़ा करके बता दीजिए कैसे लुक है। जरूर, 5 नंबर का मैं बता चुकी हूँ, ये नंबर अपने में थोड़ा सा यंगनेस का भी नंबर है, ऐसे लोग थोड़ा यंग भी रहते हैं। इन लोगों को स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हाँ, बुध हमारे को कहीं ना कहीं, मरकरी हमारे को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, या इनके जिनके भी स्टमक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हमारे को, ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी हमारे को 5 नंबर ही देता है, मरकरी का नंबर ही देता है। 6 नंबर फिर हमारा वीनस का आ जाता है, ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक होते हैं, चाहे कहीं पर भी रहे, इनको अपने घर का राशन भी पता होगा कि हमारे घर में सब्जी कौन सी खत्म हो रही है, हमारे घर में फ्रूट्स है कि नहीं है, तो अपने घर से जुड़े हुए बहुत लोग होते हैं ये। 6 नंबर का बंदा लाइफ में कितना क्रिएटिव और प्रोफेशनल क्यों ना हो जाए, अपने घर को साथ लेके चलने वाला नंबर होता है। 7 नंबर की बात करें, केतु का नंबर है, इनके पास इंट्यूटिव पावर नेक्स्ट लेवल की होती है। 2 और 7 के पास जो है इंट्यूटिव लेवल पावर बहुत ज़्यादा होती है देखा जाए तो, और एस्ट्रोलॉजी वगैरह कॉल्टिज्म में भी ये लोग ज़्यादा आते हैं। और अगर नहीं भी आते हैं, तो ये अपने प्रोफेशन के साथ अपनी एक बुक रखेंगे जिसके अंदर ये ऐसी कुछ पढ़ाई करते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। हर बंदा तो इस प्रोफेशन में नहीं आ सकता, लेकिन जो नहीं भी आते ना, तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा होती है कि हम जानें कि क्या हो रहा है। अच्छा, फिर कुछ मेरे पास ऐसे लोग भी आए हैं जो बताते हैं 7 नंबर के, हमें ना पहले से पता चल जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको ये नहीं पता कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी है कि आप अपनी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने फैमिली मेम्बर्स को बचा सकते हैं, लेकिन बस यही है कि उन लोगों को लगता है ये हमारा एक थॉट है। क्योंकि इंट्यूशन और थॉट में ना एक बड़ा बारीक सा फ़र्क है जो लोग जान नहीं पाते। उनको लगता है कि हमारा ये एक थॉट है, लेकिन वो एक इंट्यूशन होती है, वो उनको एक इन्फॉर्मेशन आई है,
तो बस तो लास्ट 8 और 9 नंबर 8 और 9 नंबर हमारा रह जाता है, 8 नंबर हमारा शनि का नंबर रह जाता है। इन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रांसपोर्ट के काम में अगर ये जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखेंगे जितने ज़्यादा हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट में लोग होते हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। अब लोग सोचेंगे वो टैनिंग हो गई है, वो टैनिंग नहीं हुई है। टैनिंग हमारी लेग्स पे और हाथ पे नहीं होती है ना, हमारा फेस जो हमारा चीज़ें जो एक्सपोज हैं उसी पे होंगी। लेकिन डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग जो हैं, इनके लिए ट्रैवलिंग मतलब अगर ये ट्रांसपोर्टेशन के काम में चले जाए तो उनको बीट नहीं कर सकते आप, बहुत बढ़िया होता है इनका। और 9 नंबर लास्ट का नंबर बचता है, तो उसके वो लोग कैसे होते हैं जिनका 9 नंबर होता है? सारे नंबरों की पावर आ जाती है 9 नंबर में। 9 नंबर वाले से भिड़ना मतलब जीतोगे कैसे, चांस ही नहीं है। तो 9 नंबर का जो बंदा होता है ये SHO की पोस्ट होती है, वो कोई भी आप पे केस डाल देगा। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के रहने का नंबर होता है। एग्रेशन ज़्यादा होता है, गुस्सा इनमें इतना होता है, तो इस चक्कर में ये मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। बहुत जल्दी एक्शन लेना, बहुत जल्दी किसी चीज़ पे बस उतर ही जाना कि हाँ ये मेरे को ऐसे ही लग रहा है। तो थोड़ा 9 नंबर के बंदे पावर बहुत है, स्पीड बहुत है, एनर्जी बहुत होती है इनके अंदर, तो थोड़ा उसे बच के रहना पड़ेगा। उसके साथ काम करेंगे तो हम थक जाएंगे, वो नहीं थकेगा, एक और निपटा ही लेते हैं। तो वो वाला है जैसे कि नंबर्स का तो आपने बता दिया और बहुत अच्छे से बताया, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मेरा लकी नंबर क्या है, या कोई व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसका लकी नंबर क्या है? देखिए इसके लिए तो आपको न्यूमरोलॉजिस्ट के पास ही आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सारे नंबर्स कहीं ना कहीं किसी के साथ फ्रेंडली है, किसी के साथ न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल मतलब कि उनकी पावर डिफ्यूज हो जाती है, मतलब वो ज्यादा नहीं आपको कोई फर्क करेंगे। जैसे कि किसी के नाम के काउंट से भी, जैसे मेरा नाम सुप्रिया है, तो मेरे सुप्रिया के नाम में अगर हिंदी में देखूं तो 3 अक्षर आए, तो उस काउंटिंग का भी असर पड़ता है लाइफ में? बिल्कुल डेफिनेटली। नेम चेंज तो आप देखिए आजकल मूवीज के नेम से लेके इवन हमारी स्टेट के नाम तक चेंज, बहुत सारे सेलिब्रिटी अपना नाम का स्पेलिंग वगैरह चेंज कर देते हैं। का हमारा तो कोलकाता हो गया, तो ये सब चीजें सब न्यूमरोलॉजी पे ही चल रही है, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन ही चेंज हो जाती है। दुबई का टोटल 5 पे आता है, तो दुबई आपके सामने ही है, लीड कर रहा है, अलग ही एक बैलेंस करके चल रहा है। तो 5 नंबर बिजनेस का नंबर है ना, तो उनके बिजनेस को कोई बीट नहीं कर सकता। अच्छा, तो इसलिए ज्यादातर लोग भी ये सोचते हैं कि हमारा बिजनेस का नंबर जो 5 पे आ जाए, लेकिन अगर 3 नंबर वाला बंदा अपने बिजनेस को 5 पे लेके आ जाएगा तो उसको ये नहीं पता कि 5 3 के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके चलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है लेकिन उसको ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ने देता। तो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो अंक ज्योतिष और लव लाइफ को कैसे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, आप पहला नंबर तो अपना नंबर किसी के साथ मिला के ही चलें, देख के चलें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करती नहीं करती। कई बार मैंने ये देखा कि 2 और 8 नंबर के लोग जहाँ मिलते हैं ना, तो हम कहते हैं कि लोहे पे जंग लग गया, क्योंकि 8 नंबर लोहा है, 2 नंबर पानी है। तो जब दोनों नंबर मिलते हैं ना, तो किसी एक की लाइफ डाउन हो जाती है, दूसरा इंसान सही होता है, और वो दूसरे को लगता है कि मैं शादी करने के बाद ना मैं थोड़ा डाउन गया हूँ। 8 नंबर वाले के लिए दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। तो थोड़ा यहाँ पर अपना कुंडली मिलान और न्यूमरोलॉजी ज़रूर देख के चलो। तो जैसे कि हम अगर मान लीजिए मैं आपके पास आई और मैंने अपने नंबर्स बताए, तो आप मेरा जीवन बताएंगे, तो किस टाइम तक, कब तक का भविष्य, या आगे का, या पीछे का, या अभी का, कब तक का पता चलता है? देखिए मैं तो यही चाहती हूँ कि इंसान अपना ना प्रेजेंट ही लेके चले फिलहाल, तो है ना, आगे के 10 साल जानने की। आजकल लोग मोटी मोटी अपनी पुस्तकाएं बनवा लेते हैं कि पूरी हमारी प्रिडिक्शन ना हमारे को पूरी ज़िंदगी की दे दो, अभी पल भर का पता नहीं है, पूरी ज़िंदगी का क्या लेके चले। तो इतनी लंबी चौड़ी बात ना करके बिल्कुल देखा जा सकता है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि न्यूमरोलॉजी में आप अपने आगे 10 या 20 साल तक की न्यूमरोलॉजी से आप अपना पता कर सकते हैं। लेकिन अगर इस साल का पहले लेके चले, कहते ना थोड़ा थोड़ा कोर्स करके चलो तभी आपका हमारा पूरा सिलेबस खत्म होगा, तो अपना पहले इस साल का हम अपना 4 चैप्टर्स पढ़ के चलते हैं, इसी में पास हो जाएं तो बहुत है। जी जी, तो देखिए क्या होता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26, लेकिन मेरे मम्मी पापा या मेरे ब्रदर या मेरे हस्बैंड, उनके डेट्स का असर मेरी लाइफ में पड़ सकता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, एक छत के नीचे जितने लोग रहते हैं फ़र्क पड़ता है। कई बार एक ही घर के नीचे 2 8 नंबर के लोग रह रहे होते हैं, तो उस घर में फिर अगर कोई चीज़ें, कार अगर आनी भी है तो वो रुक रुक के आएगी, प्लानिंग ही चल रही है, सोचे ही जा रहे हैं इस साल लेंगे, अभी हो नहीं रहा, तो वहाँ पर ना डिलेज आते रहते हैं। क्योंकि ऐसा वाला बंदे को जब मीटिंग में भी बिठाओगे ना, कि घर की भी एक मीटिंग होती है, तो वो इंसान कहेंगे ना अभी रुकते हैं ना, अभी क्या पड़ी है लेने की, तो वहाँ ना डल जाती है। तो जहाँ ना आ जाती है वहाँ कामों में रुकावटें आ जाती हैं। तो अगर जैसे अब बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे एक ही घर में, तो उसमें कैसे डील किया जाए?
तभी तो कहते हैं ना कि ये इंसान घर के अंदर बहुत लकी पार्ट प्ले करता है, क्योंकि देखा जाता है घर का मुखिया का नंबर क्या है और घर हमारा जो घर है वो किसके नाम पे है। घर में कितने भी लोग क्यों ना रहे, वो घर का वास्तु सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा जिसके नाम पे वो घर है वो। क्योंकि क्यों हम नेम प्लेट घर के बाहर हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना जब कोई पॉजिटिविटी बाहर से आती है हमारे नाम को पढ़ के अंदर अटैक करती है, अच्छा या बुरा। तो नेम प्लेट इसलिए बाहर लगानी चाहिए क्योंकि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा नाम ही नहीं होगा घर के बाहर, नेम प्लेट ही नहीं है तो वो चीज़ हमें ढूंढेगी कहाँ पर। तो इसलिए अपनी नेम प्लेट लगाओ, और घर का जो मुखिया होता है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है घर के वास्तु का। अगर अच्छा वास्तु है तो वो लीड कर रहा है इस टाइम पे और बाकी सबको भी अपने साथ तरा देगा, बेटा मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और अगर कहीं ना कहीं वो किसी ऐसे इंसान के नाम पे घर है जिसके नंबर्स ठीक नहीं है, लाइफ में स्ट्रगल के नंबर है जिसके, तो वहाँ पर देखा जाएगा कि सबको दिक्कत आएगी। तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई फ्लैट ले रहे हैं या कोई घर ले रहे हैं तो उसका नंबर तो वही लोग देते हैं जिनसे हम ले रहे हैं, तो ऐसे में अपने घर का नंबर कैसे चेंज करें, उसमें तो गड़बड़ हो सकती है। हो सके हम कर सकते हैं, वरना बीच में हमारे पास एक फुल स्टॉप लगाने का होता है। इन दोनों को मैं अलग कर देती हूँ। तो दो नंबर अगर साथ में है ना और वो फ्रेंडली नहीं है, अब घर तो हमारा हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, लौता घर था, एक ही घर था। ज़्यादातर घर वाले लोग जो होते हैं ना इनके पास कोई चारा ही नहीं होता, हम अपना घर बदल नहीं सकते, पुश्तैनी घर है, पुराना घर है, अभी तो खरीदा था, कहाँ बदल ले, चांस ही नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे, बहुत सारी परेशानियाँ और होती हैं। तो वहाँ पर फुल टॉपिक होता है वो लगा दो और घर को सर्कल कर देते हैं हम। फिर घर के बाहर बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए कि आपके घर के अंदर नेगेटिविटी ना आए, तो उस घर को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टिल मैं देखती हूँ कुछ ना कुछ इफेक्ट रह जाता है। तो अंक ज्योतिष से आपकी चीज़ों का पता चल सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं या आपके पास कुंडली नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो अगर आपके इस विषय पर कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करते जाइए, हम आपके हर सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। आगे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर किसी का जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है, किसी का 1 जनवरी बर्थडे है और किसी का है 26 जनवरी का बर्थडे, तो 8 अंक हो गए 26 से 8 हो गए और 1, तो क्या अंतर होता है? जैसे डेट ऑफ बर्थ 26 है तो उसको प्लस करके हम अपना भविष्य देखते हैं? बिल्कुल, डबल डिजिट को हम सिंगल पे लेके आ जाएंगे और देखा जाए तो जैसे 220 और 11, अब 11 नंबर देखेंगे ना तो 11 नंबर 2 को भी बीट करता है, आता टोटल 11 का भी 2 है और वो 20 को भी बीट करता है। 11 नंबर वाले लोग पूरे ऑफिस में अगर कोई डिफरेंट एक प्रोजेक्ट लेके आएगा ना, वो 11 नंबर का बंदा लेके आता है, ये मैं सोच रहा हूँ, या 2 नंबर का बंदा या 11 नंबर का बंदा, ये लोगों के पास कुछ डिफरेंट यूनिक होता है, ये अनबीटेबल लोग होते हैं। और 8 नंबर को बहुत ज़्यादा लक्की, मतलब ऐसा बताया जाता है इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है लेकिन बहुत लक्की भी होता है, ऐसा कुछ है? 8 नंबर का बंदा अगर हमारे साथ लग जाएगा तो क्या होता है, कई बार किसी के साथ हमारा काम पड़ जाता है और हमारे काम आराम से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो कभी कभी कोई हमारे साथ नंबर उसका मैच कर गया, मतलब 8 नंबर 6 के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करके चलता है, ये लैला मजनू की जोड़ी कहलाती है। तो लैला मजनू जब साथ चलते हैं ना तो 8 नंबर पूरा जान लगा के सपोर्ट करता है 6 नंबर को, भैया इसका काम बन जाए। तो किसी ऐसे बंदे के साथ अगर हमारे को काम करने को मिल जाए तो हमारे वारे नहीं आ रहे हैं यहाँ। तो इसमें तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं तो हम जाएं आपके पास, आएं और आपसे पूछें कि ये डेट हमारे लाइफ के लिए अच्छी रहेगी कि नहीं, तो पता चल सकता है। जी बिल्कुल, अपनी लकी डेट पे शादी करिए, क्योंकि कुछ डेट्स ऐसी होती है, जरूरी नहीं है कि 13 नंबर खराब होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सूर्य और जुपिटर का नंबर साथ, सूर्य और गुरु साथ आते हैं 13 नंबर में, तो लोग कहते हैं 13 नंबर से बचो, तो वो एक बाहर की चीज़ें हैं, ये फॉरेन की चीज़ें हैं और लोगों की बड़ी मान्यता है, और जिस चीज़ पे इतनी हाई लग जाती है ना वो चीज़ें असर भी करने लग जाती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बिल्डिंग्स में और सोसाइटीज़ में देखा है कि 12 नंबर का बिल्डिंग होता है और 14 का होता है, 13 का नहीं होता, तो 13 से इतना खतरा क्यों? दी नंबर ऑफ डेविल इसको कहा जाता है, और अगर 13 नंबर हम लिख देना तो लोग पहले ऐसे कर देंगे। तो जिस चीज़ पे कहते हैं ना, पहले के ज़माने में जब पेड़ किसी को काटना नहीं होता था तो उसे कोसना शुरू कर दो कि वो ख़त्म हो जाए, ऐसे वो अगर 13 नंबर ने कुछ नहीं भी करना ना तो उसे कोस कोस के ही उसको मनहूस बना के रख दिया उसको। तो ऐसे ही 3 नंबर का है, ऐसे बोलते 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो ऐसे ही 3 नंबर का भी रोल है स्पिरिचुअलिटी में और कल्टिज्म में। 3 नंबर को मैं कहती हूँ कि 3 नंबर की कभी काट नहीं हो सकती, मंत्र को जब भी मुँह से निकालना है 3 बार बोलिए, उसकी काट नहीं हो सकती। तो ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के अंदर तो आपको पता ही है कितनी पावर है, हमारे पिरामिड्स में कितनी पावर है, तो इसलिए 3 नंबर की कभी काटी, 3 नंबर बहुत ज़बरदस्त है, अपने आप में बहुत पावर रखता है,
कुछ लोगों को हम लोग कभी लाइफ में डाउन नहीं कर पाते, तो तीन नंबर का इंसान ऐसा ही है, कितना भी उसको कुछ ना बोल दो ना, वो इंसान टूटेगा नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि हमारी या मतलब तीन जने एक साथ नहीं जाना चाहिए, या तीन जनों को एक साथ नहीं बैठना चाहिए, या तीन नंबर हमारी गाड़ी में ना हो, लक्की नहीं होता, तो ये वाली क्या बात? नहीं नहीं, तीन नंबर तो हमारा वेल्थ का नंबर है, तीन नंबर के पास तो पैसा है, लक्ष्मी है तीन नंबर के पास तो। बट हाँ, ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली बात जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बस यही है कि अभी तक कुछ चीज़ें चलती आ रही हैं, चलती रहेंगी आगे, उस चीज़ में कभी बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप ये करके देखेंगे तो ऐसा कुछ होता नहीं है कभी। जी बिल्कुल, अगर अंकों को समझना है तो अंक ज्योतिष को समझना पड़ेगा, और अंक ज्योतिष को समझना है तो आपको जाना पड़ेगा आचार्य सपनाश्री जी के पास। जी तो ये तो हो गई अंकों की बात, और हमने बहुत सारे अंकों के खेल भी समझ लिए। लेकिन सबसे बड़ा लोगों के जीवन में सवाल आता है सेविंग्स का, मनी का। आजकल बहुत ज्यादा पैसा हर कोई खर्च करता है, जाता है एटीएम कार्ड स्वाइप करता है और लगातार पैसे खर्च होते जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई एटीएम का आप नंबर बता दीजिए ताकि लोगों की सेविंग्स ज्यादा हो और खर्चा कम हो। जी अगर हम पिन की बात करें तो पिन तो अब हमारा पेटीएम का भी पिन आ जाता है, जीपे का भी पिन आ जाता है, चाहे वो एटीएम में यूज़ करो चाहे आप वो कहीं पर भी करो। ठीक है, अब कई लोग होते हैं कि उनकी आधी इनकम जो है ना स्विगी जोमेटो पे खर्च हो रही है आज की डेट में, चीज़ें मंगा मंगा के। ठीक है, और अमेज़ॉन पे तो चलो जी सैलरी में कह रही हूँ कि पूरी की पूरी लोगों की अमेज़ॉन पे सैलरी खर्च हो रही है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपको अब आपके पॉडकास्ट में एक ऐसा नंबर बता ही देती हूँ जिससे कि लोगों के थोड़े पैसे खर्च होना कम हो जाएंगे। तो आप अपना पिन डाल सकते हैं 1217 1217 या फिर 1271। तो इन नंबर्स के अगर हम ये वाला नंबर डालेंगे तो थोड़ा हमारा खर्चा कम होगा, आपकी सेविंग्स भी होनी स्टार्ट होंगी, अब आपका पैसा जो है ना थोड़ा निकलना कम होगा। एक और बार नंबर बता दीजिए। कुछ चीजें तो कुदरती होती है ना, वो कैसे काम करती है ना इसके पीछे का साइंस हमें नहीं पता, लेकिन ये चीजें मेरी आजमाई हुई है इतने सालों से है। तो 1271 अगर आप अपना पिन ये रखते हैं तो आप ये यकीन मानिए 21 दिन के बाद ही आप कहोगे कि सच में ये काम कर रहा है, आपको कमेंट्स आएंगे। जी तो अपना एटीएम नंबर या अपना गूगल पे का नंबर अभी चेंज कर लीजिए, अगर ये बात सच हो गई तो आपकी बैठे बैठे सेविंग्स होने वाली है। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है ना, इसमें कोई है ना, ये तो चीजें कहते हैं एक्सपेरिमेंट की तरह आप लोग कर लीजिए। तो आप एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा, 21 दिन तक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, आपका पिन नंबर बदल दीजिए, फिर देखते हैं कितनी आपकी सेविंग्स हुई है, वरना अपने पुराने नंबर पे वापस आ सकते हैं लेकिन आप आएंगे नहीं। तो ये तो आपने बता दिया हमें एटीएम के पिन के बारे में, तो सारे दर्शक एटीएम का पिन बना ले। अब हमें बताइए, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि बर्थडे किस और दिन होता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में बर्थडे डेट कोई और होती है, तो ऐसे में कौन से नंबर को हम अपना माने या कौन से नंबर का खेल हमारे जीवन पर होता है? देखिए, जो नंबर हमारा लीगल चल रहा होता है, मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स पे नंबर होता है, उसका इफेक्ट हमारे पे ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू हमारी डेट ऑफ बर्थ से। तो जब भी मैं कैलकुलेशन करती हूँ, अगर मैं पुराने आपकी ओरिजिनल निकालूँ और आपके डॉक्यूमेंट्स की अगर चेंज है, डॉक्यूमेंट्स वाली आप पे ज़्यादा असर कर रही है, तो आपके आधार कार्ड में आपके पैन कार्ड में सब जगह तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो चल रहा होगा उसका असर आप पे ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, तो हमें अगर कुछ भी अपना दिखवाना है तो हम आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स में नंबर चले आ रहे हैं वो देखें, वो उसको भी ज़रूर कैलकुलेशन करके उसका भी एक अलग गणित निकलता है। अच्छा, तो मतलब अंक से बहुत कुछ पता चल सकता है, और अंक एक ऐसी चीज़ है जो आपके भविष्य को बता सकती है, और अगर आपको भविष्य जानना है तो अंक ज्योतिष भी आपको जानना जरूरी है, और अगर आपको अंक ज्योतिष के बारे में जानना है तो आपको जाना पड़ेगा आचार्य सपनाश्री जी के पास। तो इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सपना जी, आप इस पॉडकास्ट में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अंकों के खेल को समझिए, क्योंकि ये अंक आपके जीवन को बदलने वाले हैं, और इस पॉडकास्ट में जो नंबर बताया गया है आपके एटीएम को बदलने का, वो ये नंबर बदल के जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप पर ये असर करा कि नहीं। शुक्रिया।